जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकी हमला, पुलिस स्टेशन पर फेंके गए ग्रेनेड। आतंकियों ने तीन तरफ से घेर कर की फायरिंग, हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद। सेना और सीआरपीएफ की टीम पहुंची मौके पर, पूरे इलाके को किया सील। तंगधार में आतंकी घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। कल शाम से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का भी उल्लंघन, आतंकियों की मदद के लिए फायरिंग। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने फिर अलापा कश्मीर राग, विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा मोदी सरकार ने खो दिया संवाद का मौका। मौका तीसरी मर्तबा गवा दिया, मनफी रवैये की वजह से मोदी हुकूमत ने मौका तीसरी मर्तबा गवा दिया। कुरैशी के पास आतंक को लेकर था झूठे आरोपों का पुलिंदा, पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं के लिए भारत को ठहराया जिम्मेदार। पाकिस्तान विदेश मंत्री के भाषण के बाद भारत ने जवाब देने की अपील की, कहा नया पाकिस्तान पुराने का ही ढांचा। भारत ने पेशावर सैनिक स्कूल पर आतंकी हमला कराने के आरोपों पर जताई सख्त प्रतिक्रिया, कहा भारत की संसद ने बच्चों के लिए रखा था मौन। संयुक्त राष्ट्र के मंच से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का संबोधन, पाकिस्तान पर लगाया आतंकवाद को पनाह देने का आरोप। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ आतंकवाद की चुनौती कहीं दूर देश से नहीं बल्कि सीमा पार अपने पड़ोसी देश से ही आई है। सुषमा का पाकिस्तान को दो टूक जवाब, आतंक के माहौल में बातचीत बिल्कुल मुमकिन नहीं, खुला घूम रहा है मुंबई का गुनहगार हाफिज सईद। 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद आज भी खुला घूम रहा है, रैलियां करता है, चुनाव लड़वाता है, सरेआम भारत को धमकियां देता है। सुषमा ने मोदी सरकार की नीतियों का किया बखान, जनधन योजना और आयुष्मान भारत योजना का जिक्र। लखनऊ में एप्पल के मैनेजर विवेक तिवारी की हत्या के बाद पुलिस और प्रशासनिक अमले में हड़कंप, शर्तों पर अंतिम संस्कार के लिए राजी हुआ परिवार। मृतक की पत्नी ने योगी सरकार से सीबीआई जांच, नौकरी और मुआवजे की रखी थी मांग, कहा लखनऊ पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं। योगी सरकार ने मृतक की पत्नी को नगर निगम में नौकरी और 25 लाख के मुआवजा देने का किया ऐलान, सीबीआई जांच पर भी विचार। यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को किया बर्खास्त, एसआईटी जांच के भी आदेश। इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ट्वीट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डीजीपी से बात की, प्रभावी ढंग से जांच का दिया निर्देश। मुंबई में बेकाबू बीएमडब्ल्यू का कहर, हादसे के बाद भागने की कोशिश में कार सवार ने कई लोगों को मारी टक्कर, दो ने दर्ज कराई शिकायत। हिमाचल प्रदेश के मनाली में कुदरत का कहर जारी, चलती कार पर गिरा पेड़। हिमाचल के बारा लाचा में बर्फ ने टूरिस्टों को बनाया बंधक, 32 लोगों का रेस्क्यू। लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी से बड़ा नुकसान, 90% सेब के पेड़ टूटे। अजमेर में लोको कैरेज वर्कशॉप में आग, कारखाने में अफरा तफरी मची, पूरी तरह जल गया कोच। उत्तराखंड के हाथरस में अभिनंदन समारोह में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का बयान, वो जिस पार्टी से थी वो अनुसूचित जाति का हित चाहती है। बिहार के दरभंगा में बीजेपी युवा मोर्चा के सम्मेलन में डिप्टी सीएम सुशील मोदी को दिखाए गए काले झंडे, सवर्ण सेना पर लाठीचार्ज। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।